गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 28 मई और 28 मई 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीएबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये महत्वपूर्ण बनेंगे। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में वैशाख दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है एक 26 मई को। तो हर साल मित्रों 26 मई को वैशाख दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब 26 मई को ही क्यों वैशाख दिवस मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन को भगवान जो गौतम बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए 26 मई को वैशाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म बीसी 563 में नेपाल के लुम्बिनी नाम के गांव में हुआ था। उनको भगवान विष्णु के नौवें अवतार के रूप में जाना जाता है और हमारे जो सांस्कृतिक मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल, उनके द्वारा ये वर्चुअल इवेंट जो है वो आयोजित किया गया है। ओके, और प्रेजेंट टाइम पे हमारे सांस्कृतिक मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो प्रेजेंट टाइम पे हमारे सांस्कृतिक मंत्री भी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मई को पूर्ण चंद्र ग्रहण तथा सुपर वुमन दो खगोलीय घटना घटित हुई है? तो इसका आंसर है डी 26 मई को। तो 26 मई को मित्रों पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर वुमन दो खगोलीय घटना घटित हुई और यह घटनाएं मित्रों लगभग 600 साल के बाद एक साथ हुई है इस साल। अब ये सुपर वुमन होता क्या है? तो जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नजीक होता है और साथ ही अपने पूर्ण आकार में वो होता है तब इस स्थिति को सुपर वुमन के तौर पे जाना जाता है। चंद्रमा अपनी पूर्ण स्थिति में होता है और पृथ्वी के एकदम नजीक आता है तब इस स्थिति को मित्रों पूर्ण सुपर वुमन कहा जाता है। पृथ्वी के सर्वाधिक नजीक होने की वजह से इस स्थिति में चंद्रमा अपने आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है और आप सब जानते ही होंगे कि चंद्र जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी है और किसी एक विशिष्ट वर्ष में लगातार 2 से 4 पूर्ण सुपर वुमन तथा 2 से 4 नए सुपर वुमन की घटनाएं जो वो घटती रहती है। अब ये 26 मई को होने वाली खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्र के बीच आ गई थी। आप सब जानते ही होंगे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण घटने का मतलब क्या होता है कि चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है कि सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी का आना और सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र का आना। ओके, तो ये घटनाएं जो इस साल घटी है यानी कि चंद्र ग्रहण के बीच सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी जो है वो आ गई थी और चंद्रमा पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के कुछ भाग को अवरोध कर दी थी। जब यह सूर्य प्रकाश पृथ्वी के वातावरण से छीनकर गुजरता है तो पृथ्वी की साया के किनारे को हल्का कर देता है जिसमें चंद्रमा का रंग गहरा गुलाबी प्रतीत होता है। ओके, तो ये घटनाएं इस साल भी हुई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैबिनेट ने किस इनिशिएटिव को मंजूरी दी? तो हाल में कैबिनेट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव शुरू किया गया है, तो इस साल किस इनिशिएटिव को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है सी उपरोक्त दोनों यानी कि ICOAI
और ICSI इसका मतलब क्या है? तो ICOAI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, और ICSI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो हाल ही में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष में मित्रों एक कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई और उसमें इन दोनों इनिशिएटिव को मंजूरी दी गई थी, और इसमें फॉरेन करेंसी के साथ MOU भी साइन किया गया। अब हम बात करते हैं मित्रों इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। मित्रों इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में है, और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो विश्वरूप बसु प्रेजेंट टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है। ओके, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो नगेंद्र डी राव प्रेजेंट टाइम पे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के हेड है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अपराधों को परिभाषित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया? तो इसका आंसर है बी वाचा और अभिव्यक्ति। आप सब जानते ही होंगे कि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल है, तो इस अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति के अपराधों को परिभाषित करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। हमारे IPC में हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। अंततः आपराधिक कानून सुधार समिति के द्वारा पहली बार इस समिति इस तरह के भाषणों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इस समिति के द्वारा शीघ्र ही एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाने की संभावना है। अभी ये हेट स्पीच होती क्या है और इसे कैसे परिभाषित किया जा रहा है? तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा साइबर उत्पीड़ित संबंधों के मामलों पर जांच एजेंसियों के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया गया, जिसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है कि जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान या उसके अन्य अभिलक्षणों के आधार पर बदनाम, अपमानित, धमकाया जा सकता है या लक्षित भी किया जाता है। अब आपराधिक कानून के सुधार के मामले में गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स और विश्वविद्यालयों से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन के सुझाव पर मांग करने के बाद वर्ष 1860 में बनाई गई IPC और CRPC की पूरी जांच करने के ठीक का फैसला करने किया गया है। मतलब आप सब जानते होंगे कि हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में बताया गया है कि हम सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाचा की स्वतंत्रता है। अब इस पर एक कानून बनाया जा रहा है कि आप कभी भी किसी को किसी भी तरह से बोल नहीं सकते। IPC और CRPC के तहत ये गैरकानूनी है कि आप किसी को भी गालियां नहीं दे सकते, आप किसी के बारे में बुरा बर्ताव नहीं कर सकते, बुरा नहीं बोल सकते। तो इस पर यह कानून जो है वो बनाया गया, और इसके बाद एक गठित समिति के द्वारा IPC में सुधार के संबंधित विषयों की एक विस्तृत जाँच भी की जाएगी कि भाई इसमें कौन कौन से नए कानून जो है वो ऐड किए जा सकते हैं या नहीं है, या कौन कौन से ऐसे कानून हैं कि जिसे IPC के तहत से निकाला जा सकता है, तो इन सब के बारे में ये बताया गया है। तो इसीलिए मित्रों अभी अभिव्यक्ति और वाचा के संबंध में एक समिति का गठन किया जा रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर है ए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो हाल ही में मित्रों डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा PPP मॉडल के तहत, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत एक रिसर्च रिएक्टर बनाया गया, और यह रिएक्टर भारत में पहली बार बन रहा है। इस रिसर्च रिएक्टर की डिजाइन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाई गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के सक्षम और काम के खर्चे को घटाने के लिए मित्रों यह बनाया जा रहा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है?
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ओके, और पापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में, और प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहिंते प्रेजेंट टाइम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार के द्वारा लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 9 देशों में स्थित 10 मिशनों में किसे स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर है सी वन स्टॉप सेंटर। तो हाल ही में भारतीय महिलाओं को सहायता करने हेतु केंद्र सरकार के द्वारा 9 ऐसे देशों में स्थित 10 ऐसे मिशनों में वन स्टॉप सेंटर जो है वो स्थापित किया जा सकता है। आप सब जानते होंगे कि हमारे देश में दिन ब दिन रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, बाल हत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इन सबको रोकने के लिए और भारतीय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु यह लिंग आधारित हिंसा में एक मिशन जो है वो शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। तो भारत सरकार ने इस मिशन के बारे में बताया, तो वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने वाले मिशन में साउथ अफ्रीका के जेद्दा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान और यूएई, इन सब में स्थित है। इस योजना के बारे में हम बात करें तो यह योजना मित्रों पहले सखी के नाम से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी और इसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना को शुरू तैयार किया गया है। महिला सशक्तिकरण मिशन हेतु अम्ब्रेला योजना की एक परियोजना है ये योजना ओके, और इसका लक्ष्य क्या है, तो मित्रों वन स्टॉप सेंटर जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन उत्पीड़न और वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखे बगैर हिंसा से प्रभावित 18 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़कियों की सहित सभी महिलाओं को सहायता प्रदान करने का इसका मुख्य हेतु है कि भाई महिलाओं को जितने भी रेप के केसेस घट रहे, रेप के केसेस बढ़ रहे, तो इसको घटाना है, इसको कैसे घटाया जा सकता है, महिलाओं को हिंसा कैसे दिलाया जा सकता है, तो इन सब के बारे में ये बताएगी ओके। सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मित्रों लिंग के आधार पर हिंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप सब जानते ही होंगे कि एक वैश्विक स्वास्थ्य, मानव अधिकार और विकास संबंधित मुद्दा है ये। भूगोल, वर्ग, संस्कृति, उम्र, नक्सल, धर्म, उन सबको पार करते हुए दुनिया के हर कोने में हर समुदाय और हर देश को ये प्रभावित करता है कि भाई लिंग के आधार पर हिंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। हम बात करें तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को उतना सम्मान नहीं दिया जाता। अभी भी ऐसे कई ऐसे वर्ग है कि उन वर्गों में मित्रों स्त्रियों का जो दर्जा है वो पुरुषों से बहुत ही कम, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, लड़कियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, उनकी शादी उनकी उम्र से पहले यानी कि 18 साल से पहले उनकी शादी की जाती है ओके, तो ये सब घटनाएँ बनती। फिर हम बात करें तो हिंसा उन्मूलन पर वर्ष 1993 की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुच्छेद नंबर 1 में लिंग आधारित दुर्व्यवहार की परिभाषा निर्धारित की गई है। उनमें बताया गया है कि दुर्व्यवहार में लैंगिक हिंसा के संबंध में किसी भी कृत्य जिससे क्या होता है कि परिणाम स्वरूप शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या होने की संभावना है, या सार्वजनिक या निजी जीवन में महिलाओं को पीड़ा पहुंचाने, ऐसे कृत्यों की धमकी देने, जबरदस्ती करने या मनमानी करने, ढंग से उन्हें स्वतंत्रता से वंचित करना, यह सब भी उसमें शामिल है ओके। और भारत में भी आप सब जानते होंगे कि ऐसी घटनाएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, एसिड अटैक, लव जिहाद, ओनर किलिंग, डायन शिकार, यौन पीड़ित, बाल यौन शोषण, व्यावसायिक यौन हेतु, तो इन सब के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे ओके। और इसीलिए मित्रों केंद्र सरकार के द्वारा ये एक नया जो इनिशिएटिव है, जो नई योजना है वो शुरू की गई है ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने गाजा को समर्थन देने का वादा किया, तो इसका आंसर है डी यूएसए। तो हाल ही में यूएसए के जो विदेश मंत्री है मित्रों एंटनी ब्लिंकन,
तो उनके द्वारा विनाशकारी युद्ध के बाद गाजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रण लिया, किंतु किसी भी सहायता को गाजा के उग्रवादी हमास शासकों से अलग रखने की भी बात की गई। आप सब जानते होंगे कि अभी क्या हुआ है कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच बहुत ही ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हम सब जानते हैं कि बमबारी हुई है, मिसाइल्स एक दूसरे पर डाले गए हैं, और फिलिस्तीन में एक हमास करके एक जो है वर्ग है, मुसलमान वर्ग है, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ये जो है वो हिंसा की है, ओके। और इसीलिए इसराइल ने गाज़ा पर बॉम्ब डाले थे, इसराइल ने गाज़ा पर मिसाइल्स फेंकी थी जिसमें 250 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, क्योंकि इसराइल के लोगों की उनमें मृत्यु नहीं हुई थी, 2-4 लोगों की मृत्यु हुई थी, पर गाज़ा में जो भी फिलिस्तीन थे उनकी सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई थी। और उनके बाद अब यूएसए ने उनको सपोर्ट करने का जो है वो विश्वास दिलाया है। अब इसराइल में हुआ है तो इसराइल के बारे में जान लेते हैं मित्रों। इसराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम, अथवा आप उसे जेरूशलम भी कह सकते हैं। इसराइल की करेंसी क्या है? इसराइली न्यू सेकल। और प्रेजेंट टाइम पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू प्रेजेंट टाइम पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। और इसराइल की संसद का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट है, ओके। अब यूएसए ने किया है तो यूएसए सपोर्ट कर रहा है, तो यूएसए के बारे में जान लेते हैं। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। यूएसए की करेंसी क्या है? यूएसए की करेंसी है यूएस डॉलर। और यूएसए के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडन यूएसए के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। और यूएसए के प्रेजेंट टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कमला हैरिस प्रेजेंट टाइम पे यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बायो हब पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है AWHO। तो हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बायो हब जो पहल है वो शुरू की गई है। यह पहल मित्रों रोगाणु के भंडार साझा और विश्लेषण करने हेतु शुरुआत की गई है। वर्तमान में बात करें तो देशों के मध्य रोगाणु का बंटवारा द्विपक्षीय रूप से हो रहा है, और WHO की बायो हब इस प्रक्रिया में तेजी लाएगा। स्विट्जरलैंड ने इस सुविधा को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। नोवेल कोरोना वायरस जैसी महामारी और जोखिमों के आकलन करने और जवाबी कार्यवाही शुरू करने के लिए रोगजनक जानकारी साझा करने को महत्व को रेखांकित करने की आवश्यकता को देखते हुए यह कदम जो है वो उठाया गया है, और इसीलिए WHO के द्वारा बायो हब जो पहले वो शुरुआत की गई है। अब WHO के द्वारा शुरुआत की गई है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है इसका हेडक्वार्टर। और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है? तो टेड्रोस अथानोम गेवेरियस प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन है, ओके। चलते हैं आगे मित्रों। आज के बारे में हम बात करेंगे एक फैक्ट के बारे में, जो फैक्ट है मित्रों वायुयान में विवाह पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एक कार्यवाही की गई। तो मित्रों हाल ही में 2 दिन पहले की ये घटना है, जिसमें क्या हुआ है कि एक कपल ने आसमान में प्लेन के अंदर 200 से 300 लोगों के बीच शादी की है, तो उस पर ये मुद्दा जो है वो हाल ही में उठा है, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि कोरोना में सिर्फ 50 लोगों की मंजूरी है शादी करने में, ओके। और इसमें 200 से 300 लोग, और वो भी आसमान में और वो भी प्लेन के अंदर, और इसलिए मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इस पर बहुत ही ज़्यादा सवाल उठे। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक चार्टर स्पाइस जेट की उड़ान में 161 यात्रियों के द्वारा मिड एयर शादी समारोह में भाग लेने और कोविड मापदंडों के उल्लंघन करने हेतु एक संबंधित मामले की जांच शुरुआत की है। इसमें क्या हुआ है कि कोविड के जो मापदंड है उनका उल्लंघन करते हुए शादी की रस्मों में हुए उड़ते हुए जहाज पर पूरी की गई है। वर वधु के द्वारा शादी की रस्में पूरी करने में दौरान वायुयान जो है वो मदुरई से लेकर मीनाक्षी अम्मा मंदिर के ऊपर ही उड़ता रहा।
हालांकि कंपनी ने यह कहा है कि उसकी जानकारी में यह नहीं था। जहाज पर रस्में निभाई जा रही थी वो उनको नहीं पता था। प्लेन के अंदर शादी हो रही थी वो उनको नहीं पता था। ओके, अब DGSI के द्वारा क्या नियम जारी किए गए? तो मित्रों, DGSI ने सभी एयरलाइंस, सभी हवाई अड्डे और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF को एक परिपत्र जारी किया था, जिनके तहत उड़ान के दौरान बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी COVID-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को उपद्रवी यात्री के रूप में घोषित किया जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया। ओके, और इसका अर्थ यह है कि जो भी यात्री उड़ान के दौरान अपने मास्क ठीक से नहीं पहनेगा या सामाजिक दूरी के मापदंडों को नहीं फॉलो करेगा तो कम से कम 3 महीने तक के लिए उनको नो फ्लाई सूची में शामिल किया जा सकता है। मित्रों, उल्लंघन करने वाले को 3 स्तरों पर नो फ्लो सूची में शामिल किया जाता है। पहले स्तर, मौखिक दुर्व्यवहार के लिए 3 महीने, शारीरिक जो दुर्व्यवहार किया है तो 6 महीने, और प्राणों को खतरे में डालने का जो व्यवहार किया है तो 2 साल या उससे भी अधिक साल के लिए उनको नो फ्लाई सूची में शामिल किया जा सकता है। और अब इन लोगों ने मित्रों दुर्व्यवहार किया है इसलिए उन लोगों को 3 महीने के लिए नो फ्लाई सूची में शामिल किया जा सकता है, यानी कि अब वो किसी भी फ्लाइट में 3 महीने तक नहीं जा सकते। ओके, तो यह मित्रों हाल ही में यह न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी, इसलिए मित्रों आज मैं इस फैक्ट को लेकर आया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मित्रों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। साथ ही में मित्रों हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज शुरुआत की। इसका पहला वीडियो हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये वीडियो देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज़।